आयान, अब हमें यहां से चलना चाहिए, सगाई हो गई है, चलो। अरे ऐसे कैसे जनार्दन जी, अभी तो खाना बाकी है और हमें आपको अपने रिश्तेदारों से भी मिलवाना है, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो जाना शुरू करो। आयान के जख्मों पे नमक छिड़काओ, अब अच्छे से पकड़ूंगा। सब तो ठीक है, पर यहाँ बाकी लोग भी है ना, उनका भी तो लिहाज रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी ठीक ना लग रहा है, जाना सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उसी का चेहरा देखकर कुछ समझ ना आ रहा। सब यही सोच रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये दिखाना है ना सबको। मार्ट सब कुछ बोल क्यों ना रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, उन्हें तो कोई फर्क ही ना पड़ रहा। करेंगे, तुम सबर तो करो, फिलहाल डांस पे फोकस करो। आयान सुनो, मिस्टर मित्तल, आपने हमसे इतनी रिक्वेस्ट की थी इसलिए हम आपकी वाइफ को दूसरा चांस देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो नहीं आई। आयान, कहाँ जा रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा तनिषा, अंदर जाना है मुझे। आयान, तुमने अपने हाथों से यह रिश्ता खत्म किया है, तो तमाशा करके मिलेगा क्या तुम्हें? चलो, लेट्स गो, कम ऑन।
बाबा सही कह रहे हैं भाई, ऐसे भी आपने बहुत पी रखी है, प्लीज घर चलिए। प्लीज बाबा एक बार जाने दीजिए, कुछ बहुत जरूरी कहना रह गया फालतू का। नहीं आया, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अंदर लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। चलो लेट्स गो। अयान, किंचुक। बड़े पापा आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सुनिए, इस असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप सब लोग खाना खा के जाइएगा, ठीक है? अब क्या करने आए हो यहाँ? तमाशे में कोई कमी रह गई थी जो पूरी करने आए? मेरी बात सुनना यार, बस दो मिनट, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है फालतू से। कहाँ है फालतू? फालतू कहाँ है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ दर्ज, आप प्लीज समझाइए, इसे कह दीजिए यहाँ से चला जाए। एंगेजमेंट खराब करके इसका मन नहीं भरा, अभी भी इसे फालतू से बात करनी है। अरे अगर इतनी प्रॉब्लम है तो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता तू? मैडम प्लीज इसे समझा दीजिए, मेरे सबर का बांधना अब टूट रहा है, इसलिए प्लीज 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 आई बेग बोथ ऑफ यू यार। अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? फालतू, अरे अच्छा हुआ तुम बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। फालतू मुझे ना अकेडमी से कॉल आया था, वो लोग कह रहे थे तुम अकेडमी नहीं गई। देखो फालतू, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी तुम्हारी प्रायोरिटी है ना, लेकिन उसके लिए तुम अपने सपने को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती ना फालतू। नेशनल्स खेलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो फालतू, प्लीज प्रैक्टिस कर लो यार। तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे और नील के बीच में आना चाहता हूं। देखो तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ में जो करना है करो ना, लेकिन उसका असर अपनी गेम पर मत होने दो प्लीज। अच्छा, पर कि मैं जान सकती हूँ अचानक थारे को हमारी खेल की इतनी चिंता क्यों हो रही है? ओ, सबके सामने महान बनना चाहते हो ना, अपनी महानता दिखाना चाहते हो कि देखो लड़की तो दूसरी शादी कर रही है, फिर भी देखो अयान मित्तल को उसकी कितनी चिंता है। बार बार यही कहते हो ना कि थारे को मारे से कोई लेना देना ना है, तो फिर क्यों मारे को मारी सपनों की अहमियत सिखा रहे हो? भूलो मत माट साहब, थारे को मारे सपने मारे को इसलिए याद दिलाने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको भुलाने वाले भी थे ही थे। तेरे मजबूर किया था मारे को मारे सपने भूलने के लिए। आज अगर मैं इस स्थिति में हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ थारी वजह से। तैने बर्बाद किया हमारा क्रिकेट करियर, मत भूल। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन मेरी गलती की सजा खुद के सपने को मत दो फालतू। बहुत मुश्किल से लोगों को अपना सपना पूरा करने का दूसरा मौका मिलता है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो फालतू, मत गवाओ इस मौके को प्लीज फालतू। मैम नील प्यार करता है ना इससे, देख तू इसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, इसे इसके सपने से दूर मत जाने दे। अब से इसका सपना तेरा सपना। लाइफ पार्टनर तो ऐसे होते हैं ना। लाइफ पार्टनर्स के बारे में अगर लेक्चर तू ना देना तो बेटर होगा। सारी दुनिया जानती है तू किस तरीके का लाइफ पार्टनर है, तो अगर फालतू से तेरी बात हो गई हो ना तो चला जाए यहां से, लोग देख रहे हैं। अयान प्लीज चलो यहां से। एक मिनट तनिष, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं यार तुझे। देख मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लड़की है ना फालतू, ये ना एक सपना लेकर इस शहर में आई थी, लेकिन उसके बाद इसके साथ बहुत कुछ हुआ यार,
जानता है किसकी वजह से? मेरी वजह से। इसका सपना भी मैंने बर्बाद किया था यार, पर अब तू इसके साथ है। देखनी नहीं, फालतू को उसका सपना पूरा करने का एक और मौका मिला है, वो मौका इसके हाथ से बचाने दे यार, प्लीज। बस यही कहना था। चाहते क्यों मार्सा? इतनी फिक्रें हमारी तो क्यों ना रोक देते इस? या फिर थे ने जो हमारे साथ किया उसके अफसोस से छुटकारा पाना चाहते हो? ऋषभ, मुझसे अयान की हालत देखी नहीं जा रही। खुद को बर्बाद करने पे तुला है ये लड़का, किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। देखो तनु, कैसे भी करके इसे शादी में जाने से रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा खुद के साथ। तुम कह रही थी ना इसे शहर से बाहर सिद्ध के पास भेजने के बारे में, उसका कुछ हो सकता है? नहीं माँ, मैंने अयान से बात करने की कोशिश की, सोचा एक बहाना बनाकर उसे सिद्ध के पास भेज दूं, पर अया ने अपनी जगह हर्ष चाचू को वहां भेज दिया। भगवान, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तनीषा, देखो तुम कैसे भी करके अयान को शहर से बाहर भेज दो, कहीं ऐसा ना हो कि फालतू की शादी से पहले ही ये खुद के साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। बड़ी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। इन्हें भी यकीन दिलाना बहुत जरूरी है कि ये शादी असली में हो रही है। बड़ी माँ, वैसे भी अब अयान की इससे ज्यादा बुरी हालत क्या होगी? शायद फालतू को शादीशुदा देखकर उसके सर से फालतू का भूत उतर जाए और वही उसका क्लोजर हो। नहीं तन्नू, इसकी हरकतें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने इसको इस तरह से बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू किया है मेरे बेटे पर। वो खुद तो मजे से अपना घर बसा रही है, लेकिन मेरे बच्चे को कहीं का नहीं छोड़ा उसने। तन्नू देखो, इस वक्त में सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, कुछ भी करो लेकिन लेकिन मेरे आयु को बचा लो। बड़ी माँ, आप परेशान मत होइए, आपका ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यान, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारी लाइफ से मैं फालतू का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती हूँ, जिसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे इस नकली शादी को असली में बदलती हूँ। उप्स, तुम तो वहां होगे नहीं देखने के लिए, तुम्हारे लिए तो मेरे कुछ अलग ही प्लान्स हैं। बहुत मुश्किल से लोगों को अपना सपना पूरा करने का दूसरा मौका मिलता है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो फालतू। फालतू, नेशनल्स खेलने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो फालतू। बेटिया, ये आपके लिए। अयान बाहर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर गया था। और ये बहादुर सिंह के बल्ले से निकला पहली बॉल पे शानदार छक्का।
आयान बिल्कुल सच कह रहा था और आपके आंसू भी कह रहे हैं कि क्रिकेट ही आपकी जिंदगी। बहुत समझता है आयान आपको। बेटिया कल ही अकेडमी चली जाओ। कारण जो भी हो लेकिन अपने सपने से मुंह मत मोड़ो। आयान का गुस्सा अपने खेल पर मत निकालो। वो करो जो करने आई थी आप इस शहर में। ये आप क्या कह रहे हैं डर्ज? मैं भी चाहता हूँ कि फालतू क्रिकेट खेले बट फिर हमारे इस प्लान का क्या होगा? ये शादी का ड्रामा हम कंटिन्यू कैसे करेंगे? बहुत हो गया ये ड्रामा। अब बस और क्या देखना चाहते हो? आयान कितनी परवाह करता है इसकी? करता है परवाह, देख चुके हैं हम लोग। और तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना बिल्कुल काम करने वाला नहीं है। फालतू बेटिया तुम जाकर सीधे सीधे आयान से बात करो और सारा मामला साफ करो और क्रिकेट पर फोकस करो। डर्ज हमें भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि आयान सच में बदला है कि नहीं। आपने देखा नहीं फैशन शो के टाइम पे भी उसने हम पे शक किया, फिर डिवोर्स के पेपर्स भी ले आया। मुझे नहीं लगता वो इंसान रत्ती भर भी बदला है। पर अगर वो बदला ही नहीं है तो फिर फालतू का उसके पास वापस लौटने का कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस प्लान को ही कंटिन्यू करना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ये आखिरी मौका है हमारे पास आयान को टेस्ट करने का और फालतू का एक वाइज डिसीजन लेने का। अभी तक प्लान काम किया तो आगे भी करेगा ही। पर अगर मार्ट साहब आए ना तो हम क्या करेंगे? तू वो जरूर आएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ प्लान कर लूंगा। तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम शादी की तैयारियां करो। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है नील। शादी ब्याह का मामला है, पूरा समाज आएगा। बयान नहीं आएगा तो क्या करोगे? क्या बोलोगे लोगों को? क्यों रोक दी शादी? काश ये शादी रुके ही ना डर्ज। अरे तो दिमाग ही ना काम कर रहा है। सही गलत कुछ समझ ना आ रहा, कुछ पल लेना पड़ रहा। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तो मत सोचो ना, उस सब के लिए मैं हूँ यहाँ पे। मुझ पे छोड़ दो। डर्ज आप चलिए मेरे साथ, आप तो सारा हमारा प्लान खराब कर दोगे। अरे चलिए बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी बात तो सुन दो, जो के कैसे हो सकता है ये सारा? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।